आप सभी को मेरा नमस्कार। परमपिता परमात्मा के चरणों में बंधन करते हुए आप सभी लोगों का आज के इस डायमंड सेलिब्रेशन में आप सभी लोगों का सारे हमारे सीनियर एम्प्लॉयी की ओर से, सिस्टम की ओर से, मैं और मेरे परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहले मैं परमपिता परमात्मा को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उसने मेरे को मनुष्य का जन्म देकर इस धरती पर भेजा। दूसरा धन्यवाद मेरे माता पिता को देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया और अच्छे संस्कार डाले। और तीसरा धन्यवाद मेरे फ्रंट लाइन में बैठे हुए सारे मेंटर्स को देना चाहूँगा, सारे ग्रेट गुरु को देना चाहूँगा जिनकी वजह से आज दोस्तों में सम्मान ले पा रहा हूँ। जितने भी डायमंड यहाँ बैठे हुए हैं, हर किसी डायमंड का मेरे जीवन में दोस्तों योगदान है। चाहे किसी के वीडियो के माध्यम से, चाहे किसी के ऑडियो के माध्यम से, या किसी से पर्सनल मिलके मेरे को यहाँ पे सपोर्ट मिला और आज मैं डायमंड बना। मैं चाहूँगा सर लोगों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं मेरी पूरी प्यारी सी टीम को देना चाहूँगा जिसके वजह से दोस्तों आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। जैसे कि बताया गया, मेरा नाम गजेंद्र प्रसाद शर्मा, श्योपुर का रहने वाला। इस काम को करने से पहले एक चिकित्सक का काम किया करता था और चिकित्सक का काम को करते हुए मैं अपने आप को ये मानता था कि मैं अच्छा भला बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे को दूसरे बिजनेस को करने की ज़रूरत नहीं है। और परमात्मा की ऐसी मर्जी हुई, कहा जाता है हम दुनिया के हर प्रोफेशन में 22 चॉइस जाते हैं लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में 22 चांस आ जाते हैं दोस्तों। थैंक यू। अगर किसी व्यक्ति को डॉक्टर बनना है तो 22 चॉइस बनता है, यस या नो? अगर उसको वकील बनना है तो 22 चॉइस बनता है। अगर किसी को सिंगर बनता है तो 22 चॉइस बनता है। और किसी को डांसर बनता है तो 22 चॉइस बनता है। लेकिन दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है इसमें व्यक्ति 22 चांस आ जाता है। थैंक यू दोस्तों। 22 चॉइस तो मैं डॉक्टरी कर रहा था लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में मैं 22 चांस आया। और चांस भी इस तरह से मिला कि विनोद कुमार राठौड़ सर मेरे बच्चों को पढ़ाया करते थे और इनके माध्यम से मेरे को प्लान देखने का मौका मिला। इन्होंने मेरे को घर पे आके प्लान दिखाया था और मैंने इस तरह से इस शर्त पे ज्वाइन किया था कि मेरे बच्चों को पढ़ाते हैं, हो सके अगर मैं इनकी बात न मानूं तो शायद मेरे बच्चों को अच्छी तरह नहीं पढ़ाएंगे। थैंक यू। इन्होंने मेरे को प्लान में बैठाते ही मैंने इनको बोल दिया आपको चाहिए क्या। प्लान मेरे समझ में बिल्कुल भी नहीं आया, बिल्कुल भी प्लान समझ में नहीं आया। मैं तो इनसे एक बात कही, विनोद जी आपको चाहिए क्या? गजेंद्र जी 350 रुपये चाहिए और फार्म भरना है। मैंने तुरंत 350 रुपये निकाल के फार्म भर दिया और मैं घर पे चला गया। घर पे जाने से पहले एक शख्सियत से और मुलाकात मेरे को हुई दोस्तों में जान करके, वो दिन मेरे को आज याद है दोस्तों। जैसे मैंने फार्म भरा, विनोद जी ने मेरे को एक ऐसी शख्सियत से मिलाया जो अंदर बैठी हुई थी। जैसे उन्होंने मेरे से हाथ मिलाया, 40 किलो का बंदा जिस तरह से हाथ मिलाया, मेरे दोस्तों ऊपर से नीचे तक कंट लग गया कि यार किसी बंदे से पहले बार हाथ मिलाया मैंने। क्योंकि मैं भी उस टाइम पे ऊपर के गोल केप लगा के चश्मा लगा के घूमा करता था, अपने आप को बहुत तुर्रम खान मानता था। लेकिन दोस्तों जैसे ही एक 40 किलो के बंदे ने हाथ मिलाया, देखा कि यार 40 किलो का बंदा क्या एटीट्यूड, यार क्या एक्साइटमेंट है। और वो कोई और नहीं दोस्तों, हमारे ग्रेट गुरु अजय पंडित जी है दोस्तों। थैंक यू। दूसरे ही दिन मेरे घर पे ये फॉलोअप करने के लिए सत्येंद्र प्रसाद सर को लेके आए और सत्येंद्र प्रसाद जी से जैसे इन्होंने मेरा फॉलोअप किया, मैंने विनोद जी को बोला
आज मैं सही बात बताना चाहूंगा आप लोगों को दोस्तों, मैं क्या सोचता था कि विनोद जी आप क्या बात कर रहे हो, जिस बंदे की बात कर रहे हो आप बिहार के रहने वाले हैं, बिहार की भाषा बोलते हैं, यूपी के रहने वाले हैं और श्योपुर में प्लान दिखा रहे, मेरे को तो विश्वास नहीं होता। लेकिन दोस्तों परमात्मा की ऐसी मर्जी हुई, सत्येंद्र प्रसाद सर जी से मिलने का मेरे को मौका होटल में मिला। इन्होंने मेरे को होटल में जाकर के इनसे मिलाया, मिलाने के बाद विश्वास हुआ। वास्तव में लगता था मेरे को जैसे इनके साथ सामने में बैठता था, मैं आग के गोले की तरह वहां से निकलता था। मैं नरम होकर आता था लेकिन कड़क होकर निकलता था इनके सामने, क्योंकि ये ऐसी बातें करते थे मेरा माइंड बिल्कुल एकदम पका पकाया कर देते थे। और जैसे मैं निकलता था फील्ड में, लगता था यार करना चाहिए लेकिन नहीं किया। फिर एक बार नरसिंह गवाल जी को लाए थे ये श्योपुर के अंदर, सर नरसिंह गवाल जी आज नहीं है, उनका नाम आया मेरी जबान पर, उनके लिए जोरदार ताली बजानी चाहिए। उनको लेके आए थे, वहाँ पे एक सम्मान हुआ था सिल्वर का, सबसे बड़ा सम्मान था वो। उस सम्मान को देखने के लिए मैं गया था, मैं पीछे कुर्सी पे बैठा था और पीछे बैठा हुआ एक वकील मेरे साथ बैठा था, मेरा मित्र था वो। उनको देखने के बाद लगा ये कोई डुप्लीकेट डायमंड बना के ले आए होंगे, पैसे वैसे दवा के 10-20 हज़ार रुपये दे के, ऐसा कोई डायमंड बनता नहीं है। और मैंने इनको मना कर दिया, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन परमात्मा की मर्जी हुई, एक यहाँ कार्यक्रम था जिसमें सूर सदन के अंदर, उसमें संजय जैन सर जी ने एक बात बोली थी कि मैं साइबर कैफे चलाया करता था और साइबर कैफे में मेरे को घाटा हो गया था। मैं अपने आप से उभा हुआ इंसान था, मैं अपने जूतों को केयर नहीं कर पाता था और ऊपर से पुलिस करके चलता था। लेकिन दोस्तों मेरे सामने कोई अनजान व्यक्ति आया, उसने मेरे को प्लान दिखाया, मैंने सोचा कि इसके कर्जे को चुकाऊं या इस व्यक्ति का इस बिजनेस को ज्वाइन करूं। दोस्तों उस दिन मैं पीछे बैठा हुआ था जब वो बोल रहे थे और वहां से मुट्ठी बांध रहा था। आप लोग यहां से कितने भी लोग बैठे हैं मेरे को नहीं है पता कौन मुट्ठी बांध रहा है नहीं बांध रहा, लेकिन दोस्तों मैंने मुट्ठी बांधी थी उस दिन। उन्होंने यहां से कहा था कि मैंने यहां से कमाए, मतलब मेरे सोच को बदला और 7 लाख के कर्जों को 7,15,000 मार करके बिजनेस को ज्वाइन कर लिया और यहां से मैंने कमाए 7 करोड़ रुपए। थैंक यू दोस्तों, वो दिन का दिन है दोस्तों, वो बात मेरे यहां लगी कि जब ये लोग कमा सकते हैं, ये बंदे कमा सकते हैं, तो मैंने क्यों नहीं कमा सकता, क्योंकि मैं तो कर्जे में नहीं था। और मैंने उस दिशा लोग दोस्तों मुट्ठी बांधी और मुट्ठी बंद करके काम किया। और जैसे यहाँ से गया, यहाँ से जाते लोगों से अपने मित्रों को फ़ोन लगाना शुरू कर दिया कि मैंने बहुत ज़बरदस्त कार्यक्रम देखा है, आज इतने ज़बरदस्त कार्यक्रम से लोगों को करोड़पति बनाया जाता है। जैसे वहाँ गया, जाने के बाद मैंने काम करना शुरू किया तो लोगों ने मेरी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। जो अपने थे वो मेरे से दूर होते चले गए। जैसे मैं घर के बाहर निकलता था, मेरे ही रिश्तेदार के मकान थे सामने, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे, भाई साहब कितने को टोपी पहना दी, कितने खोके कमा लिए, कितने पेटी कमा ली। और मैं उनसे बोलता था रुक जा यार, तो अभी कुछ करके दिखाऊंगा तेरे को। और उस व्यक्ति की वजह से दोस्तों मैं सुबह 6 बजे के पहले घर से निकल जाता था और रात के 11 बजे बाद आता था कि हो सके ये न मिल जाए सामने। मैं तो उस व्यक्ति को भी धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि उसकी वजह से मैं काम कर पाया। थैंक यू दोस्तों। जब मैंने काम करना शुरू किया, लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। घर पे लोग जाया करते थे, बच्चों को समझाया करते थे, तेरे पापा को चोट लगा, उनका दिमाग खराब हो गया है, पता नहीं अच्छी भली डॉक्टरी करते थे, पता नहीं इनको क्या हो गया है, इनको चोट लगवाओ। तो बच्चे मेरे से जाके पूछते, मेरे से कहते थे पापा ऐसे फलाने व्यक्ति आए थे, उन्होंने ये बोला था। मैंने बेटा कोई बात नहीं है, उनको नहीं है पागल की परिभाषा याद। पागल वो नहीं होता जो कपड़े फाड़ता है, पागल वो होता है जो किसी चीज को पाने के लिए पागल हो जाए। थैंक यू दोस्तों। मैं भी वही पागल हो गया, डॉक्टरी करते हुए काम करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ समय ऐसी आई
मैंने सर से बोल दिया, बिनो सर को बोला मैंने कि सर मैं फुल टाइम करना चाहता हूँ, मैं नहीं करना चाहता डॉक्टरी। विनोद जी ने पहले तो मेरे से मना करे भी पार्ट टाइम करो, नहीं सर एक ही काम हो सकता दूसरा काम हो ही नहीं सकता, मेरे को तो डायमंड बनना है बस। और दोस्तों काम करना शुरू कर दिया, लोगों ने बहुत मजाक उड़ाई, डिग्री डिप्लोमे दिए, लेकिन मैंने एक ही भी नहीं मानी और काम करता हुआ चला गया। सत्यन प्रसाद जी को मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने मेरे को शुरू शुरू में इतना ज़बरदस्त मोटिवेशन दिया। मैं जब भी नेगेटिव होता था, मैं सर से जैसे मैं प्लान देने जाता था, 10-20 प्लान मेरे हो गए, मैंने कहा सर मैंने 20 लोगों को प्लान दिखा दिया, एक के भी समझ में नहीं आ रही क्या करूं। सत्यन प्रसाद जी मेरे से बोलते थे कि गजेंद्र प्रसाद जी 20 नहीं 50 प्लान दे करके मेरे पास आ जाना, क्योंकि 1 किलो दूध के अंदर 200 ग्राम खोवा निकलता है। दिन के बाद रात होती है, हार के बाद जीत होती है, लोगों की ना तो सुननी ही पड़ेगी और आप सही ट्रैक फार्म पे हो। दोस्तों मैंने इनकी बात मान करके फिर काम चालू किया और दोस्तों मैंने 25 से 26 प्लान दे दिए, मेरे साथ लोग आना शुरू हो गए। और जब लोग आना शुरू हुए तो मैं काम करता हुआ चला गया, काम करता हुआ चला गया, और काम करते हुए मेरे को सब एक शख्सियत का भी बहुत योगदान है मेरे जीवन में, विनोद कुमार राठौर जी का। इन्होंने मेरे को पग पग पे साथ दिया, इनके लिए बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। मेरे को संभाला, मेरा परिवार इस शख्सियत का, इस मेंटर्स का ऋणी रहेगा दोस्तों, ऋणी रहेगा। थैंक यू दोस्तों। जिसकी कल्पना की जा सकती है उसकी रचना की जा सकती है, जिसकी कल्पना की जा सकती है उसकी रचना की जा सकती है, ये मैंने यहाँ इस बिजनेस में सीखा। क्योंकि मैं जब मेरे पिताजी को मैंने देखा था, गांव में रहा करते थे, और एक बार की बात है कि मेरे चाचा जी की शादी हुई थी, उसने बारात गई थी बस लेकर के गए थे, उस टाइम पे ये पोजीशन थी हमारी, उस टाइम पे कोई बसें वसें नहीं चलती थी, लेकिन हमारे दादाजी ने जमीन बेच कर चाहे कुछ भी करना पड़े और जमीन बेच करके बस में बारात ले गए थे। वो दिन मेरे को ऐसे ऐसे याद है, लेकिन उन दिनों की वजह से मेरे पापा जी को, मेरे पिताजी को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, अरे रोड पे आ गए। और मैं उस टाइम पे सोचता था, जब हम छोटे छोटे थे, जब बरसात होती थी तो हमारे कोलू के मकान हुआ करते थे, मेरे मम्मी और बाऊजी खड़े हो जाते थे और बच्चों को कहीं भीज नहीं जाए, ऊपर छत भी नसीब नहीं हुई दोस्तों, ये पोजिशन हमारी थी। लेकिन मेरी चाहत थी, जिसकी कल्पना की जा सकती उसे रचना की जाती, मेरी कल्पना थी, मैं कल्पना करता था काश हमारे भी पक्का मकान हो, अच्छी 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 बिल्डिंग हो। तो दोस्तों आप लोगों को बताते हैं और सोता है, आज मैंने इस बिजनेस के माध्यम से, वहां तो मेरी कल्पना की रचना नहीं हुई लेकिन सिस्टम, डॉक्टरी से तो नहीं हुई लेकिन सिस्टम में आने के बाद मैंने मेरे सपनों का मकान बनाया, उसकी लागत है 35 लाख रुपए अभी रिसेंट। थैंक यू। कभी ऊपर से हवाई जहाज निकलता था, मैं कल्पना करता था, मैं मम्मी से पूछा करता था, माँ ये क्या चीज़ है, चील गाड़ी बोलते थे उसे, कि बेटा ये अपने नहीं लिए नहीं है, ये दूसरों बड़ों लोगों के लिए है, इसका तो पता नहीं कौन बैठते होंगे, उनको ही पता नहीं था। तो दोस्तों बताते हुए अर्ज होता है कि इस बिजनेस के माध्यम से 5 देश की यात्रा करके आऊँ दोस्तों। मेरे परिवार में किसी ने भी हवाई जहाज को नहीं छुआ दोस्तों, मैं पहला शख्स हूँ जो आज 15 बार हवाई जहाज बैठकर 15 बार उतर चुका हूँ। थैंक यू। जब बगल से गाड़ियाँ निकलती थी, मैं कल्पना करता था काश हमारे घर में भी गाड़ी आए, काश हमारे भी गाड़ी होती, जैसे कोई गाड़ी निकलती तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। लेकिन दोस्तों आज बताते हर्ष होता है कि इस बिजनेस की बदौलत आज 9,25,000 की गाड़ी बाहर खड़ी है दोस्तों। ये बिजनेस की ताकत है। और ये पता मेरे को शुरू में लग गया था, विनोद कुमार राठौर जी जब मेरे को प्लान दिखाने आए, इनका जो एटीट्यूड मैंने देखा,
जो जोश देखा, जोश देखने के बाद लगा यार ऐसे व्यक्तियों के साथ काम करे हो सके, बहुत बड़ा काम हो सकता है। और काम करते हुए दोस्तों आपके सामने आज डायमंड के रूप में खड़ा हूँ दोस्तों। थैंक यू। मुश्किलें जरूर आती है, मुश्किलें मेरे जीवन में आई, बहुत मुश्किलें आई, बहुत परेशानी आई। डॉक्टरी छोड़ने के बाद मेरे को पता है आप लोगों को क्या बयान करूं, लेकिन दोस्तों मुश्किलें इंसान के इरादे आजमाती है, मुश्किलें इंसान के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, गिरकर न हार मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। दोस्तों सत्यन प्रसाद जी बोलते मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार है ठान लो तो जीत है। दोस्तों ठानना पड़ेगा, ठानने पड़ेगा का फार्मूला आज दिन तक किसी भी न तो विज्ञान के पास है, न जूलॉजी में, न बोटनी में, न अर्थशास्त्र में, ठानने का फार्मूला कहीं भी नहीं है दोस्तों। और जो व्यक्ति ठान लेता है वो शिखर पर जरूर पहुंचता है दोस्तों। मैंने ठाना, ठान करके काम किया और ठान करके काम किया तो आज देख लो आपके सामने हूं। आप लोग ठान सकते हो? ठान सकते हो? दोस्तों काम कारण के बिना नहीं होता, काम कारण के बिना नहीं होता। आपसे मैं पूछूं, मैं बताऊं कि इस दीवार को तोड़ो, और बताता हूं तरीके, और बताता हूं कि सब्बर से तोड़ो, थोड़ी से तोड़ो, थेड़ी से तोड़ो, या बिल्डोजर से तोड़ो। आप तोड़ोगे? नो। और मैं आपको दूसरे पल बताता हूं कि इस दीवार को तोड़ो, इसके पीछे 20 करोड़ रुपए है। जो व्यक्ति तोड़ेगा उस व्यक्ति को वो पैसे मिलेंगे। अब मेरे से तरीका पूछेंगे आप लोग? पूछेंगे? क्योंकि 20 करोड़ का मामला है। कारण होना चाहिए। मेरे पास कारण था। लोग कारण नहीं ढूंढ पाते, लोग अपने आप को मजबूर नहीं कर पाते। दोस्तों मैंने मेरे को आगे बता दूं, जिस पुलिया से देख ला उस पुलिया को डसा दिया, वापस जाने के लिए रास्ता ही नहीं छोड़ा। पीछे मुड़कर देखता था तो रास्ता ही नहीं था, क्योंकि डॉक्टरी करता था, लोगों से चुटकिया बजा के बोल के आया था डायमंड बन के दिखाऊंगा, करोड़ रुपए कमाऊंगा, हवाई जहाज को स्कूटर बना दूंगा, ये लोगों से मैं बोल चुका था। और मैं नहीं चाहता था अगर मैं वापस डॉक्टरी करने जाता तो मेरे बच्चों को लोग क्या क्या बोलते, वो डायमंड की औलाद चली, और मैं ये नहीं चाहता था दोस्तों। इसलिए मैंने ठान करके काम किया। और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम सेफ शॉप के अंदर ऐसे मेंटरों का साथ मिला, जैसे माधव सर, यह मान लो इतने जबरदस्त लीडर है हमारे बीच में, इनको देख करके मैं देख करके जोश में आ जाता हूं दोस्तों। इनके लिए सबसे जबरदस्त ताले होने चाहिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। विजयपाल जी शुरू शुरू में हमको मिले थे, विजयपाल सर जी सूर्य सदन के अंदर, तो इन्होंने हमको हमारा फूल थोड़ा सा बचाया था हमको, कैसा लगा आपको फंक्शन। उसके बाद सर जब श्योपुर गए और सर ने मेरे को और मेरी मैडम को एक एक बात बैठाल करके समझाई थी, इस तरह से सर ने हमको समझाया था। मैडम का विरोध था उस टाइम पे, लेकिन सर जिस दिन मेरे को समझा के आए उस दिन से मैडम ने मेरे से कुछ भी नहीं बोला। उसने बोल दिया तुम तो अपना काम करो, मैं बच्चों को संभालती हूँ। पता नहीं सर ने ऐसी क्या बात बोली और मैडम के समझ में आ गई। नहीं तो मैडम ने इतना विरोध किया दोस्तों, जब मैं 12 बजे घर पे जाता था तो खाना वाना तो छोड़ दो आप जानते ही हो 12 बजे 1 बजे कभी एक भी बज जाती थी। मेरे से पूछती, मैं जब मैं खाने की कहता था तो कोई बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब मैं उठा करके जब खाना खाता था रसोई में जा करके, तो उसके अंदर से बेडरूम में से बोलती थी कौन सा भोजन कर रहे हो, प्रेत भोजन कर रहे हो क्या, ऐसे ताना मेरे को मारा करती थी। लेकिन दोस्तों विजयपाल जी का भी लाख लाख शुक्रिया, इनके लिए भी जोरदार तौली होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने मैडम को समझाया।
आप लोग ठान सकते हैं? तो दोस्तों अगर आप लोगों ने ठान लिया, देखो मैंने ठाना था उस दिन, पीछे बैठ करके मुट्ठी बांध के गया था उस दिन। आप लोगों में से कितने लोग ठान रहे होंगे मेरे को नहीं पता, लेकिन आज लोग जो व्यक्ति ठान के जाएगा वो डायमंड जरूर बनेगा दोस्तों। सफर में धूप तो है जो चल सको तो चलो, सफर में धूप तो है जो चल सको तो चलो, भीड़ में सभी है तुम भी चल सको तो चलो। किसी के वास्ते राह नहीं बदलती दोस्तों, अरे तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। दोस्तों आप लोग डायमंड बनना चाहते हैं? चाहते हैं तो मुट्ठी बांध के बोलो आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, विश्व वेल द बेट एंड गोल्ड डायमंड।